नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वास्तु के अनुसार घर में रखे ये शुभ चीजें कंगाल घर भी बन जाएंगे धनवान। हर कोई कामना करता है कि उसका जीवन में सुख सुविधाओं से भरा रहे, उनके जीवन जो है पैसों से भरा रहे, मगर कई बार कड़ी मेहनत करने पर भी पूरा फल नहीं मिल पाता। इसके अलावा घर पर पैसा न टिकने की परेशानी भी होती है। ऐसे में अगर आप भी इससे परेशान हैं तो वास्तु से जुड़ी कुछ ऐसे चीज हैं जिसे घर पर रख सकते हैं और मान्यता है कि इस चीजों को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ऐसे में काम में लगन लगने लगता है, साथ ही साथ उस घर में अनधन की बढ़ोतरी होती है। हम वही जानकारी बताते हैं जो कि जानकारी आसान हो और साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छे से जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो वास्तु को ठीक करने के लिए घर में पहले नंबर पे आते हैं क्रिस्टल बाल रखना चाहिए। वास्तु व फेंग शुई में क्रिस्टल बाल को शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि खुशहाली व शांति का वास होता है। इसके साथ ही पैसों से जुड़ी समस्या दूर होने में मदद मिलती है। वास्तु के अनुसार क्रिस्टल बाल को घर के दरवाजे या खिड़की के ऊपर लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। दूसरे नंबर पे है कछुआ। जी हाँ मित्रों, धातु का कछुआ। कछुआ को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि घर पे धातु का कछुआ रखने से धन से जुड़ी समस्या दूर होती है। वास्तु के अनुसार इसे घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर में धन की बढ़ोतरी होती है। तीसरे नंबर पे है हाथी की मूर्ति। कछुआ की तरह हाथी की मूर्ति भी बेहद शुभ होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे घर पे रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चौथे नंबर पे है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी को बेहद पवित्र माना जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार मिट्टी का घड़ा घर पे रखने से पैसों की किल्लत दूर होती है। इसे हमेशा घर की उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घड़ा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि घड़ा में हमेशा पानी भरे रहना चाहिए। जब तक इस घड़े में पानी भरे रहेंगे तब तक कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती, निरंतर उस घर में धन की बरकत होती है। पांचवें नंबर पे आते हैं हंसों का जोड़ा। जिन घरों में पति पत्नी में झगड़े होते हैं उन्हें अपने बेडरूम में हंसों के जोड़े की मूर्ति या तस्वीर लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे रिश्तों में प्यार बना रहता है, रिश्तों में जो खटास आ रहे हैं, खटासपन आ रहे हैं, या दूर हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।